हे गाइस, वेलकम बैक टू सना बिक्की ब्लॉग चैनल। स्वागत है हमारे चैनल। बताओ कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और गाइस, मैं आ चुकी हूँ बालकोनी में। और बालकोनी में पता है आपको बहुत ही हवा आ रहा था और मैं कपड़ा सुखा के रखी थी, तो एक दो में क्लिप लगाना भूल गई थी, तो वो कपड़ा उड़ने वाला था। पर कोई नहीं, मैं आके देखी और मैंने कपड़ा को बचा लिया गाइस। तो कपड़ा अगर उड़ के किसी और के छत पे चला जाएगा तो वो नहीं मिलता दोबारा मुझे, कोई नहीं बच गया कपड़ा। और इधर देखिए, पेड़ इतना हिल रहा है, वीडियो में नहीं पता चल रहा है मगर सामने से सच में बहुत हिल रहा था। ऐसा लग रहा था वो पेड़ टूट ही जाएगा, तो कोई नहीं बच गया। तो गाइस, वो का पेड़ है, तो उसका नाम मुझे इतना अच्छे से नहीं पता मगर उसको जामुन कहते हैं। उसको जामुन कहते हैं जो थोड़ा ब्रिंजल कलर में होता है, बहुत टेस्टी होता है। आप लोगों ने भी खाया होगा। सब कपड़ा मैं क्लिप लगा के रख दिया था, बट पता नहीं क्लिप बोलती हूँ उसे, मैंने उसे लगा के रख दिया था, बट बस दो तीन कपड़ा मैं ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने उसको। और जब मैं बाहर आई तो सच बताऊँ कपड़ा थोड़ा सा बच गया मेरा उड़ने के लिए, वरना उड़ के वो चला गया था। तो गाइस, यहाँ पे एक बार जो कपड़ा चला गया वो दोबारा ढूंढना मतलब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा एक कपड़ा चला गया जिसे मैं ले नहीं पाई। और देखिए, मैंने पूरा कपड़ा यहाँ पे ऐसे रख दिया, अभी ज़्यादा सूखा नहीं है क्योंकि मैंने थोड़ा शाम टाइम को मैंने कपड़ा धुला लिया था मैंने पहले, मगर सुखाने के लिए मैंने थोड़ा शाम टाइम को रखा, ताकि वो एक होते ना कि कपड़ा लो धूप में ज़्यादा डालने से कलर उड़ जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा धूप ठंडा हो जाए इसके बाद मैं कपड़ा डाल दूँगी। और गाइस, इतना हवा आ रहा है कि मैं तो डर ही गई अभी। चलिए, ये सब तो होते रहेगा, कोई बात नहीं। मैंने सोचा मेरा कपड़ा तो नहीं उड़ गया, फिर अगर जो घर में आदमी रहता है वो छत पे उड़ जाने से कोई बात नहीं, मगर जो घर में आदमी नहीं रहता उसको छत पे उड़ के चला जाए तो बहुत मुश्किल है लेना। तो इसलिए मैं अभी फटाफट अपना पूरा कपड़ा उतार के लेके आ गई हूँ। और बाहर बहुत ही हवा हो रहा है, तो इसका वजह से अभी घर में पूरा धूल मिट्टी आ रहा है उड़ के गाइस। तो ऊपर है बहुत, फिर भी धूल मिट्टी उड़ जाता है, ऊपर में भी आ जाता है। और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, अच्छा भी है मगर बहुत हवा हो रहा है, तो दिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा लाइटिंग टाइप से भी है इसलिए नहीं दिख रहा। तो मैं आप लोगों को बैक कैमरा से एक बार दिखाऊँगी जब हवा आएगा तो, और गाइस नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, इसके लिए सॉरी। मगर मैं अगर आए तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो गाइस चलिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, तब तक ले। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ और सोयाबीन को मैंने अच्छे से गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल लिया था, और उसके बाद मैंने फिर इसे दो बार ठंडे पानी से भी मैंने वॉश करके पानी को सेपरेट कर दिया, हटा दिया इससे पानी को, और इसे मैं फ्राई करूँगी अभी। और गाइस, तो चलिए इसे अच्छे से फ्राई करते हैं। उसके इसे जितना आप अच्छे से फ्राई करेंगे वो इतना अच्छा लगेगा। तो इसे हम लोग को रेड रेड जैसे करना है। तो गाइस, मैं इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दूँगी, ताकि इसके अंदर फ्राई होने टाइम को ही थोड़ा सा नमक और हल्दी का कलर चले जाए और नमक भी थोड़ा सा इसमें मिल जाए। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा और अच्छा लगेगा आप लोगों को ऐसे खा के। तो गाइस, इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और ये काला काला जो दिख रहा है वो गैस, वो जला नहीं है, वो फ्राई हो चुका है। तो आप लोग कमेंट में ये मत बोलेगा कि आपने जला दिया। तो ये देखिए, फ्राई हो चुका है और मैंने इसे निकाल लिया है। और गैस, तो मैं इसमें डाल दी तेल, वापस फिर से डाला था मैंने, और इसमें मैंने जीरा डाल दिया। आप चाहें तो पाँच फ़ौरन भी डाल सकते हैं। तो इसके जीरा के बाद मैंने मिर्ची डाल दिया था, मिर्ची के बाद डायरेक्ट मैंने प्याज डाल दिया। तो मिर्ची को मैंने टू पीस में कट कर दिया था, एक मिर्ची को, और प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया था छोटा छोटा। और आप लोग चाहे तो बड़े स्लाइसेस में काट सकते हैं, कोई नहीं, अपना अपना पसंद है इसको। तो चलिए, हम लोग इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। तो गाइस, मैं मिर्ची अभी भी डालूंगी और बाद में भी डालूंगी, क्योंकि मिर्ची इतना तीखा नहीं है। तो आप लोग को अगर इसमें आप डाल देंगे तो बाद में उसमें कम डालना पड़ेगा। तो इसमें आप डाल दिए हैं, मैंने डाल दिया है टमाटर, जैसे मैंने अच्छे से ग्राइंड करके रख लिया था, और एक ही टमाटर डाला है मैंने जानबूझ के, ताकि ज़्यादा खट्टा भी ना हो, थोड़ा थोड़ा खट्टा हो तो अच्छा लगे समझे। तो मैंने इसमें डाल दिया नमक डाल दिया, उसके बाद मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया, फिर धनिया पाउडर है, फिर उसके बाद जीरा पाउडर डाल दिया, फिर उसमें गरम मसाला भी डाल दिया मैंने,
उसके बाद लास्ट में मैंने हल्दी डाल दिया। आप लोग चाहे तो ये मसाला पूरा एक साथ डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक एक बार इसलिए डाला ताकि आप लोग भी देख सकें। तो वैसे नॉर्मल सब्जी से बनता है, अगर आपके पास मैगी मसाला है तो आप उसे डाल दें, बहुत मैगी मसाला से और भी बहुत बढ़िया बनता है इसका सब्जी। तो मैंने पहले भी बहुत बार बनाया है, तो मैंने सोचा चलो इस बार आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इसको देखिए मैंने कितने अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसमें से ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया। और गाइस मैंने एक क्लिप मिस कर दिया, जिसे मैंने अंडे को फ्राई किया था वो तो मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को। तो चलिए कोई नहीं, अंडे फ्राई होने का प्रोसेस मैं बता देती हूँ। बस ऑयल रखना है, उसे थोड़ा रेड रेड फ्राई कर लेना है, उसमें कोई मेहनत का काम नहीं है गाइस। थोड़ा 2 मिनट में फ्राई होने वाला है। तो मैंने इसके बाद डाल दिया था सोयाबीन, तो गाइस मैं इधर बोलने लगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें आलू, तो आलू मैंने ज़्यादा नहीं डाला, बस टेस्ट के अनुसार। मतलब आलू, और आपको पता ही होगा कि आलू डालने से ग्रेवी बहुत अच्छा बनता है, तो इसलिए मैंने एक दो आलू, ज़्यादा नहीं, एक दो आलू मैंने बॉईल किया था उसके साथ, तो उसे ही मैंने अच्छे से मिला दूँगी। और उसके बाद मैं डाल दूँगी उसमें पानी, अगर आप चाहें तो एकदम हल्का पानी रखें। तो मैंने भी ज़्यादा नहीं रखा गैस, एकदम मीडियम से भी मीडियम पानी रखा मैंने। और बहुत ही आप लोग चाहे तो इसे पूरी पराठा के साथ भी खा सकते हैं, बहुत प्यारा, मतलब बहुत ही टेस्टी बनता है गैस, प्यारा बोल रही हूँ। और उसके बाद देखिए मेरा ये बनके तैयार हो चुका है। अगर आई होप कि आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया होगा तो गैस एक लाइक तो बनता है गैस, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। गैस मैं आ चुकी हूँ, और आप लोग कैसे हैं, आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो गैस मैं वीडियो मेरा पहले स्टार्टिंग हो चुका है, मैं अभी ऐसे बोल रही हूँ आप लोगों से। तो गैस आप लोग बताइएगा कैसे हैं, और कमेंट सेक्शन में मेरा जो रेसिपी हो मैंने बनाया है वो भी बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़। अब मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा गैस, खुद ही क्रेडिट दे रही हूँ अपने आपको। और गैस ये बेड कवर जो है मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है, तो अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने कितना में ख़रीदा है, कैसे ख़रीदा है मैंने, तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा, मैं आप लोगों को ये पूरा दिखाऊंगी। और गाइस ये बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं मेरा ड्रेस का साथ एकदम मैच हो रहा है। तो गाइस ये भी रेड ऑरेंज है, ये भी थोड़ा ऑरेंज टाइप से ही है। तो गाइस इसका देखिए बहुत ही मेरे को तो बहुत प्यारा लगा, सिंगल बेड का है तो सिंगल एक इसका साथ वो भी मिला है, पिल्लो कवर भी मिला है। तो गाइस ये पिल्लो कवर जो है ये इसका नहीं है, ये दूसरा वाला का है, तो मैं इसको ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो गैस मैं आप लोगों को बोलिएगा, मैं ज़रूर दिखाऊंगी, पूरा प्राइस भी बताऊंगी। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए सोच के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, लव यू।